नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि एजेंसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं ऑन द टॉपिक जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ज़्यादातर लोग जानते होंगे वन ऑफ द लीडिंग कंपनी टू प्रोड्यूस द स्टील इज नोन एज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसको कि महारत्ना पब्लिक सेक्टर का खिताब मिला हुआ है, स्टेटस उनका महारत्ना का है। और इसमें अपॉर्चुनिटी आई है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए और एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, और इनकी जो पोस्टिंग होनी है आप जानते होंगे उड़ीसा में ही इनकी सब्सिडरी है जहाँ पर पोस्टिंग होनी है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन होगा कैसे, और क्या आपको स्टाइपेंड में तो सैलरी मिलने वाला है, और किस किस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है साथियों, लास्ट तक देखिएगा। जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सबका स्वागत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस ऐसे लाता रहता हूँ सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, जैसा कि आप ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं जो कि ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आ चुका है 29th इसी अगस्त को 2022 को, और इसका एडवर्टाइज नंबर है 01-2022। तो देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी आपको दिखाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी इवन कैटेगरी में 8 वैकेंसी हैं टोटल, जिनको डिवाइड कर दिया गया है, एक एससी कैटेगरी के लिए और 2 ओबीसी के लिए और 5 जनरल के लिए। तो ये टोटल मिला के आपकी 8 वैकेंसी होती है ये एग्जीक्यूटिव कैडर में। नॉन एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव में आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बनेंगे बॉयलर ऑपरेटर के लिए, जो कि S3 कैटेगरी में आते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 39 है, जिनको सब डिवाइड कर दिया गया है। SC कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी, ST के लिए 8 वैकेंसी, OBC के लिए 4 वैकेंसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर आप क्लेम करते हैं तो 3 वैकेंसी, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसी। और ये पोस्ट पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी को भी शूट करती है, तो इसमें OH 2 वैकेंसी, HH कोड में 2 वैकेंसी, BH में 1 और MD में 1। और डिजेबिलिटी कैटेगरी ये आपकी यहाँ पर दी गई है, इसका डिटेल में आपको लास्ट में दिखाएंगे क्या है ये एब्रिविएशन का फुल फॉर्म। माइनिंग फोरमैन, इनमें 24 वैकेंसी हैं। देखिए, यहाँ पर 4 वैकेंसी एससी के लिए हो जाती हैं, 5 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 इकोनॉमिक का सेक्शन और 10 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। और ये पोस्ट माइनिंग वाली पर्सन पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं लग सकते इसमें। सर्वेयर, सर्वेयर की 5 वैकेंसी है, जिनमें एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए और 3 अनरिजर्व हैं। माइनिंग मैट, इसमें 55 वैकेंसी हैं, जिनको सब डिवाइड कर दिया गया, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 6, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5 और 23 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 25 टोटल वैकेंसी हैं, जिनको डिवाइड किया गया, 3 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और 12 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। वहीं फायर मैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी 36 वैकेंसी हैं, 5 आपकी एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 4 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 17 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 30 वैकेंसी हैं, 4 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 3 इकोनॉमिक सेक्शन और अनरिजर्व कैटेगरी 30 वैकेंसी। तो आप देख रहे हैं कितनी मास नंबर ऑफ ओपनिंग्स आई हैं, और इन्हीं में ही ये टोटल जो आपकी वैकेंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव में 31 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोटा इसी में से है, अगर ये नहीं पाए जाते हैं तो जनरल कैंडिडेट से भरा जाएगा। अब अगर डिसिप्लिन की बात करते हैं, इनके लिए क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो डिसिप्लिन वाइज आप देख लीजिएगा, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी आपके मैकेनिकल में 15, मेटलर्जी से 15, इलेक्ट्रिकल से 40, सिविल से 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ये से 5 वैकेंसी है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए फिटर में 9, इलेक्ट्रीशियन में 10, मशीनिस्ट में 12, और ये सब डिवीजन है एज पर योर कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल दिया गया है ये क्लियरली, ये क्या क्या आपके इसमें
वो है ट्रेड है जिनमें आपका प्रेस मॉनिटरिंग वैकेंसी है। और ये जहां पर ये सारे एब्रिविएशंस यूज हुए थे इनका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। इकोनॉमी वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, OH मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी, OL मीन्स वन लेग अफेक्टेड, OA मीन्स वन आर्म अफेक्टेड, BL मीन्स बोथ लेग अफेक्टेड, BH मीन्स विजुअली हैंडीकैप्ड, PP मीन्स पार्शली ब्लाइंड, HS मीन्स हियरिंग हैंडीकैप्ड, PD मीन्स पार्शली डीप, MD मीन्स मल्टीपल डिसेबिलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ OH, HS और ऑस्टियम। तो यहाँ पे जो कैटेगरी देखिए यहाँ पे दी गई है ना, ये करेस्पॉन्डिंग टू फुल अब्रिविएशन यहाँ पे दिया गया है। और ये सारी डिजेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो ही आप ये क्लेम कर सकते हैं। तो वैकेंसी यहाँ पे दी गई थी और आप देख रहे हैं ये सारी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में है। ऑपरेटर के लिए इतनी वैकेंसी थी और यहाँ पर आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जो इसके लिए क्या क्या ट्रेड है इसमें, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो क्लियरली यहाँ पर दे दी गई है आपके सामने। तो चलिए साथियों आप देखते हैं रिजर्वेशन क्या है। तो रिजर्वेशन तो मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, तो SC ST OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं रिजर्वेशन। इकोनॉमी वीकर सेक्शन उनका भी जो असेट सर्टिफिकेट है वो आपको देखना है आप एलिजिबल है कि नहीं, तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको अपना सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी है, उनको अपलोड करना है मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ मैंने क्लियरली बोल दिया था जिनको 40% मोर डिसेबिलिटी है वही कंसिडर किए जाएंगे इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है 30 सितंबर को आप अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर जिसकी है जो एज है 18 से लेकर 30 साल, ये एज बैंड दिया गया है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, BE BTech फुल टाइम इन एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, एंड ये आपकी अप्रूव्ड होनी चाहिए, AICTE से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, और कम से कम एक्सपीरियंस 2 साल का किसी फैक्ट्री में आपने किया हो या क्लियर मेंशन कर दिया, अगर वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स फॉर अक्वायरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग। सेकंड, अगर आपका PG डिग्री है और डिप्लोमा की है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में तो बहुत अच्छा है, ये भी जरूरी है इसमें। और एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज का, क्योंकि आपकी पोस्टिंग उड़ीसा में होगी तो उड़िया की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स दिए गए हैं डिग्री में वो अनरिजर्व OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 65% कट ऑफ रख दिया गया है, इतनी आपके मार्क्स होने चाहिए। SC के कैंडिडेट हैं तो SC के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन, जो BE BTech फुल टाइम कोई डिग्री की है उसके लिए। ठीक है, आप चलते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जो बॉयलर ऑपरेशन के लिए, इनके लिए आपका हाई स्कूल होना चाहिए विद 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। तो मेट्रिकुलेशन विद 3 ईयर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी आपके पास में होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा इसमें किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। माइनिंग फॉन्डमैन की बात करते हैं तो इनके लिए जो F77 जो आपकी सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्रॉम 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स ये आपकी एज लिमिट हो गई। और इसके लिए भी देखिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए भाई 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग में किसी से किया हो, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, विद वैलिड माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMs अंडर MMR 1961। तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसी सर्वेयर की बात करते हैं, इनके लिए भी एज बैंड है 18 से लेकर 28 तक, इसमें भी मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा जो आपका सर्वेयर में होना चाहिए, माइनिंग में होना चाहिए, सर्वे फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूशन से, और 1 साल का एक्सपीरियंस में दिया गया, इसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए सर्वेयर का, किसी भी कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMs अंडर MMR फॉर मेटली फेरस माइंस, इस कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी S3 कैटेगरी में, इसका भी 18 से 28 है, इसमें भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है 10th के साथ में डिप्लोमा करेस्पॉन्डिंग रिलेवेंट डिप्लोमा, तो रिलेवेंट है मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कहीं से भी किए हो, इसमें देखिए आपका किसी तरह का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। इन पोस्ट के लिए जो माइनिंग फोरमैन और सर्वेयर, इनमें आपका एक्सपीरियंस भी 1-1 साल का है और सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इसमें भी सर्टिफिकेट मांग रहा है 1st क्लास का।
है। और फायर ऑपरेटर की बात करें ट्रेनिंग की, इसमें भी 18 से 28 है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी में भी, और 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा हो, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। इसके साथ सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विसेज से, आपने किसी भी कॉलेज नागपुर से या ग्रेजुएट सिर्फ एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स का दिया हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल, ये कंपलसरी है होना आपके पास में फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए अगर आ रहे हैं तो। ये जितनी भी पोस्ट थी यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग से लेकर यहाँ तक फायर ऑपरेटर के लिए, ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है वो कट ऑफ मार्क्स यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जनरल कैटेगरी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और SC ST पर्सन बैचलर डिजेबिलिटी और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनके लिए 40% कट ऑफ रखा गया है। इतनी तो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में होने चाहिए, क्वालिफाइंग जो डिप्लोमा है डिग्री है उसमें होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब जैसे बात करें फायरमैन कम इंजन ड्राइवर, इसमें भी देखिए वही चीज होगी, मैट्रिकुलेशन विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म रिलेवेंट हैवी मोटर व्हीकल, और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका कहीं से होना चाहिए, हाई स्कूल के बाद में ड्राइविंग का हैवी मोटर व्हीकल चलाना आपको आना चाहिए, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर आपको बनना है तो। ड्राइवर के लिए डिप्लोमा नहीं चाहिए, मैट्रिकुलेशन और एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, और एक्सपीरियंस 1 साल का चलाने का। माइनिंग मैट की बात करते हैं, 18 से 28 साल इसकी भी है, मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइंस मैट सर्टिफिकेट कहीं से किए हो, DGMS MMR 1961, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी आपको बनना है, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन विद ITI फुल टाइम किसी भी ट्रेड फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट कहीं से भी किए हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, इसकी भी एज 18 से 28 है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMB, इसके लिए भी 18 से 28 ही रखा गया है एज बैंड, और इसमें ही मैट्रिकुलेशन हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके साथ में होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए ड्राइविंग का हैवी मोटर व्हीकल का। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल। क्लियर है कि आपको हैवी मोटर, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जैसे कि क्रेन वगैरह चलाई हो आपने, या फिर बुलडोजर वगैरह चलाया हो, तो उनको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाली है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, और देखिए क्लियरली बोल दिया गया जो भी ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए या फिर अक्रेडिटेड बोर्ड से या काउंसिल से बॉडीज से जैसे कि UGC ICT NCVT SCTE और VT से, सेंट्रल और या स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बोल्ड लेटर में एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, मेल कैंडिडेट ओनली कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें। जो एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो ऊपर मेंशन की गई है, अगर आपके पास में नहीं है तो डोंट अप्लाई, अगर है तो 30 सितंबर से पहले पहले आप अप्लाई करेंगे, ये क्लोजिंग डेट है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, मैक्सिमम 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए, और इन केस ऑफ आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो मैक्सिमम 10 साल का आप जनरल कैटेगरी में क्लेम कर सकते हैं, 15 साल का SC ST में है और डिसेबिलिटी है तो 15 साल, और 13 साल का OBC में, मतलब 10 साल जुड़ जाता है आपका, मतलब एडिशनली आप एक्स सर्विस मैन है तो मैक्सिमम एज रिलैक्सेबल एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम जो एज है 45 ईयर्स तक की एज तक इसमें दे सकते हैं। अब अगर सैलरी की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका बेसिक पे 85 हजार से स्टार्ट हो रहा है, इवन कैटेगरी में आप हैं, और आपकी 1 साल की जब सर्विस हो जाएगी तो आपको इवन ग्रेड के पे स्केल 60,000 में रख दिया जाएगा, इनिशियली आपको 50,000 में है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 60,000 बेसिक पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कई और फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, जैसे कि बेसिक पे में इंडस्ट्रियल DA लगेगा, और आपको प्रिक्वायर्ड कैफेटेरिया अप्रोच, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अपना और फैमिली का जो कि गवर्नमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग है, और इसके अलावा हाउस HRA भी आपको मिलना है। ठीक है, जहाँ पे भी अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं है तो HRA भी ले सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए कॉस्ट टू कंपनी CTC है 14.7 लाख पर एनम। ठीक है, इसमें से ये PRP लोकेशन बेस्ड अलाउंस ये अलग है, टोटल कॉस्ट टू कंपनी 14.7 लाख पड़ने वाला है असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए। ठीक
तो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर ऑपरेटर टेक्नीशियन बॉयलर और माइनिंग सर्वेयर इनके लिए जा रहे हैं तो 26,600 आपकी बेसिक है। माइनिंग मेट के लिए 25,070 आपकी बेसिक सैलरी, जहाँ से आपको स्टार्ट होना है। और जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, तो जैसे कि S3 या S1 रेस्पेक्टिवली किसी में भी आपको रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसके साथ में एडिशनल अलाउंसेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, HRA मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, PPF में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ग्रेचुटी वगैरह और HRA वगैरह, ये सारा मिल के बहुत अच्छा खासा सैलरी आपको बन सकता है। फायर ऑपरेटर ट्रेनी S3 और ऑपरेटर कम ट्रेनी S3, इसमें देखो फर्स्ट जो कंसोलिडेटेड पे जो मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट ईयर में 16,100 रहेगा, सेकेंड ईयर में ये 18,300 हो जाएगा। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए अगर देख लें, और जो ड्राइवर में जा रहे हैं हैवी मोटर व्हीकल में, 12,900 इनिशियली आपको 1 साल ट्रेनिंग में मिलेगा, फिर 15,000 मिलने लगेगा। और जैसे ही आप ये 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे तो आपको इस पे बैंड में रख दिया जाए और भी अलाउंसेस आपको मिलने लगेंगे। तो ये हो गया एनरोलमेंट। तो अगर हम देखें पोस्ट टू कंपनी S1 ग्रेड, तो 8.65 लाख पर एनम की हो जाती है, जिसमें कि आप लोकेशन बेस्ड अलाउंस जो मिलते हैं वो अलग है, ठीक है। तो इसका भी पैकेज कोई खराब नहीं है, 8.65 लाख पर एनम है। अब सिलेक्शन कैसे होगा देखिए, तो सिलेक्शन है कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 सेगमेंट उसमें होंगे, जैसे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, हैवी मोटर व्हीकल, फायरमैन। इसमें 20 जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट पे आएंगे और 80 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे। ऑल अदर पोस्ट रिमेनिंग पोस्ट के लिए 50 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और 50 होंगे जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, हैवी मोटर व्हीकल और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, इनके लिए 20 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और 80 हमारे जनरल एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल जो टाइम होगा एग्जाम का वो होगा 2 घंटे का, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसमें हैं अनरिजर्व कैटेगरी के डिटरमाइन किए जाएंगे 50% स्कोर के बेस पे, और SC ST नॉन क्रीमी लेयर जो OBC के PWD, इनका क्वालिफाइंग मार्क्स 40% स्कोर जो मिनिमम कट ऑफ बिल्कुल रखा जा सकता है। और कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर लेते हैं कम्बाइंड ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट असिस्टेंट मेजर सेफ्टी के, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए मेरिट के हिसाब से। तो एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और इसमें ये क्लियर बोल दिया गया आपको उड़िया लैंग्वेज का आनी चाहिए, लिखना भी ठीक है, पढ़ना भी और बोलना भी, ये जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपसे इस लैंग्वेज में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जो सुटेबल नहीं पाया जाता है असेसमेंट उड़िया लैंग्वेज में, तो उनको फर्दर इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कंपल्सरी है, क्योंकि आप उड़ीसा में काम करना है, ठीक है। जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई करते हैं CBT में, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, इन सब के लिए क्या करना है, उनकी शॉर्टलिस्ट बनेगी स्किल टेस्ट के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए, और आपको बुलाया जाएगा कम से कम एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए। इसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू केवल एग्जीक्यूटिव कैडर में है। अब कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर जाते हैं CBT टेस्ट, जो आपने जो फायर ऑपरेटर ट्रेनी है या फिर हैवी व्हीकल वाले जिनके लिए, उनका शॉर्टलिस्ट होगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए, या फिर वहां पे भी 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एक पोस्ट के लिए, और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा उनके लिए जो हैवी मोटर ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए कंपलसरी क्या है, 65 किलोग्राम लोड आप लेके चल सकते हो, 100 मीटर 100 मीटर इन ए मिनट डिस्टेंस 100 मीटर चलना है आपको, और स्विमिंग 100 मीटर की होनी चाहिए 10 मिनट में, ड्राइविंग टेस्ट फॉर फाइव ट्रेंडर के लिए होना चाहिए, ऑप्शनल है क्लाइंब 3 मीटर विद हेल्प ऑफ ए रोप, और हाई जंप 135 सेंटीमीटर तो कर ही लेंगे, मैक्सिमम 3 चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप 3 मीटर की आपको करनी है, इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेंगे। ये केवल हैवी मोटर व्हीकल के लिए जो आप जा रहे हैं फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग उनके लिए, फायर कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए ये फिजिकल टेस्ट है, इनमें ये चीजें टेस्ट की जाएंगी, ठीक है। और ये कंपलसरी टेस्ट है PAT, और ये उसके अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट होगा उन सब का, और ये भी कंपलसरी है, ठीक है। इसमें केवल क्वालिफाई आपको करना है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें वेटेज मिलेगा आपको CBT, जो आपने टेस्ट में जितने भी नंबर लाए हैं उसी को 100%
वेटेज मिलने वाला है फॉरन फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो केवल केवल आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस बननी है, और बाकी ये ट्रेड टेस्ट हो रहा है, फिजिकल, ये सारी चीज़ें मतलब क्वालिफाइंग है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव कैडर में, उसमें इंटरव्यू और दोनों का मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा आप, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए 143 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए। करस्पॉन्डिंग वेट भी दिया गया है 45 kg 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट है 72 से 75 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर मिनिमम है, और उसमें 3 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो जाना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट का भी दे दिया गया 75 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। विजुअल पैरामीटर 6x9 विद और विदाउट ग्लासेस, और 6x6 और 6x12 बोथ आईज विद ग्लास, विद और विदाउट ग्लासेस यहाँ पर कह दिया गया। अगर आप ग्लास यूज कर रहे हैं तो 6x6 होनी चाहिए, ग्लास हटा दिए तो 6x12 विदाउट ग्लासेस। नियर विजन J1 बोथ आईज विद विदाउट ग्लासेस। पावर ग्लासेस नॉट एक्सीडेड +-4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कलर विजन एसेंशियल। नाइट ब्लाइंडनेस विल बी ए डिस्क्वालिफिकेशन, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बायोनोकुलर विजन एसेंशियल है। सर्जिकली ऑपरेटेड एंड करेक्टेड इस पॉइंट विल बी एक्सेप्टेड। हियरिंग पैरामीटर नॉर्मल होनी चाहिए, 30 डेसिबल स्पीच फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल सुनना आना चाहिए। ये आपका एग्जीक्यूटिव के लिए हो गया। नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, वहाँ पे देखिए हाइट और वो पैरामीटर सेम है, और 155 सेंटीमीटर हाइट या 143 सेंटीमीटर, 45 kg वेट और 35 kg वेट फॉर फीमेल। 75 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने पे 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट 70 सेंटीमीटर से लेकर 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। और यहाँ पे भी देखिए डिस्टेंस विजन के 6x12 विद और विदाउट ग्लासेस ये होना चाहिए आपका। नियर विजन J1 N6 बोथ हाई। पावर ग्लासेस यह भी +-4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कलर विजन नॉर्मलाइज, लांटन टेस्ट होगा मैक्सिमम अपर्चर के साथ में। नाइट ब्लाइंडनेस विल बी डिस्क्वालिफाइड। बायनोकुलर विजन एसेंशियल है। सर्जिकली ऑपरेटेड करेक्टेड इस पॉइंट विल बी एक्सेप्टेड। हियरिंग जो है 30 डेसिबल की, तो सुन लेनी चाहिए। पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग, जो कि बिल्कुल हैवी काम करेंगे, हैवी मोटर व्हीकल चलाएंगे, ड्राइवर है ये, इनका हाइट 167 सेंटीमीटर रखा गया है, वेट 50 kg, 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, 86 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड हो जाए, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उनकी जो आई साइट बिना ग्लास के 6x6 होनी चाहिए, परफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। लार्टन टेस्ट, नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं चलेगी भाई, ड्राइवर के लिए तो बहुत ही भाई स्ट्रिक्ट है। बायनोकुलर विजन ओके चलेगा। नो फिजिकल डिजेबिलिटी चलेगी, नी नोक कहीं पे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई रॉड वगैरह इम्प्लांट नहीं हो चाहिए कहीं भी शरीर में, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। हियरिंग पैरामीटर 30 डेसिबल। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपको इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। टेस्ट सेंटर कहाँ पर है? राउरकेला में, विशाखापट्टनम में, कोलकाता में, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर और कटक, टोटल 7 सेंटर हैं। 7 सिटीज में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, और कैंडिडेट को वो चॉइस अपनी देंगे, चॉइस के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। और कैंसिल भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने सेंटर एक बार मिल गया आपको, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कंडीशन में डेट टाइमिंग और वेन्यू ऑफ कंप्यूटर सेंटर की आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है, थ्रू ऑन एडमिट कार्ड और भी ईमेल का और SMS के जरिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ वेन्यू फॉर इंटरव्यू ये भी आपको बताया जाएगा ईमेल के जरिए, और वेबसाइट से आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का एप्लीकेशन फी है ₹700 OBC जनरल कैटेगरी के लिए, अकेडमी बी के सेक्शन के लिए, SC ST में है तो ₹200, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट भी है तो ₹200 ही फीस देना है। ऑपरेटर कम ट्रेनिंग, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, इनके लिए ₹500 है, ठीक है, जनरल और OBC इकोनॉमी बी का सेक्शन के लिए। वहीं पर SC ST के लिए है ₹150। माइनिंग मेट जो हैवी मोटर व्हीकल उसमें जो जा रहे हैं उनका अगर देखेंगे तो उनमें ₹300 की फीस है, वो जनरल OBC इकोनॉमी बी का सेक्शन के लिए, वहीं पे ₹100 की फीस है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और SC ST PWD के लिए। कैंडिडेट जो हैं जिनके पास में कोई बैंक चार्जेस जितने भी लगेंगे, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, फीस पेमेंट कर रहे हैं, जो भी इसके चार्जेस एक्स्ट्रा आएंगे वो कैंडिडेट को ही बियर करने हैं, ठीक है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भी देनी है, उसमें प्रोसेसिंग फ़ी भी कुछ आएगी, तो जो प्रोसेसिंग फ़ी जितना भी लगेगा वो कैंडिडेट को ही भरना है, ठीक है। आप ये फीस दे सकते हैं नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, ATM से, या बैंक थ्रू सिस्टम चालान के जरिए भी आप जमा कर सकते हैं, कोई भी आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लें। आपको जाना है वेबसाइट पे www.sell.com
co.in, यहाँ के करियर पेज पे जाइए, sellcareer.com, यहाँ पे क्लिक करके, या अदर आप इस पे और इस पे क्लिक करके आप जाएंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आपको भरना है, और करना आपको चाहिए क्या, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर जिस पे सारे कम्युनिकेशन आने वाले हैं ये बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, और ये आपको मेंटेन करना है एटली 1 साल के लिए, जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपका पासपोर्ट का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट का होना चाहिए, वो भी सॉफ्ट फॉर्म में, 50 KB की फाइल JPEG की चलेगी, और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आप सिग्नेचर करके उसका फोटो लीजिएगा, उसकी साइज 20 KB की होनी चाहिए, अपलोड करना है। कैंडिडेट जो मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए, और या फिर ये सर जितने भी फोरमैन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इनको ये अपलोड करने हैं सारी सर्टिफिकेट जितने भी हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है वो भी, ये सारे के सारे आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने हैं, सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर लें। उसके बाद वंस ये सारा आपने भर लिया, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट आप किसी भी वे से कर सकते हैं, UPI से, नेट बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी, और जब उसके बाद आपको भरनी है सारे डिटेल और आपको कर देना अपलोड। जब अपलोड कर रहे हैं उससे पहले चेक कर लें सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होनी है, उसके बाद आप अपलोड कर दें। इंटरव्यू स्किल टेस्ट, इसको जो भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको SMS के जरिए और ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा कब आपका ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल आपको भेज दिया जाएगा सारी डिटेल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सबमिशन सीधा है, आपको एप्लीकेशन करना है सेल की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके करियर ऑप्शन में जाके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, उसके बाद में आप लॉगिन करें, फिर रजिस्टर कर लें, अगर रजिस्टर नहीं किए तो रजिस्टर कर लें, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वही लॉगिन आईडी से आप एंटर कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको भरना है सारा फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है, ठीक है। ये अब इम्पोर्टेंट चीज में दी गई है, सारे के सारे जो करेस्पॉन्डेंस, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो ईमेल SMS से होगी या फिर वेबसाइट आप विजिट करते रहिए, तो जो भी ईमेल आप मेंशन करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो जीवित रहना चाहिए, उसको चेक करते रहें। SMS जो मोबाइल आपका खुद का होना चाहिए, जो एडमिट कार्ड से या फिर किसी और चीज की इंफॉर्मेशन आएगी इसी पे आएगी, और बिल्कुल आपको चेक करते रहना चाहिए, या फिर आप वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कॉमन चीजें होती हैं, और ये सारा पेमेंट करने के बाद में आप एक प्रिंटआउट अपने रेफरेंस के लिए ले लें, इसको भेजना नहीं है, इंटरव्यू के दौरान अगर गए तो आपको लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट डेट ले लें, 6 सितंबर से इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आज 6 सितंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो इसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है, और किसी तरह का कोई अगर कंफ्यूजन आता है, कोई डाउट आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर दी गई है, इस पर लिख के भेज दीजिए, मोबाइल यहाँ पे फोन नंबर भी दिया गया है, कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी किसी का डाउट हो तो। बिल्कुल ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, तो साथियों आई होप सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, अभी भी कोई अगर डाउट इसमें बचता है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जितने भी नए साथी हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलता हूँ एक नए अपने वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।